नमस्कार, हमारे हिमालयन सीरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तालिबान, आईएसआईएस और कट्टर ग्रुप्स के बीचों बीच पनपता एक छोटा सा पर एक इम्पॉर्टेंट वैदिक हिंदू सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो किसी तरह से हजारों सालों से बची हुई है और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा कलश कम्युनिटी या कलश सभ्यता के लोगों की कहानी, जो आज भी पाकिस्तान में करीब 4 से 5 हज़ार की आबादी में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल डिस्ट्रिक्ट में तालिबान और आईसिस के इलाके के पास ही कुछ हजार लोगों की एक ऐसी आबादी है जो मुस्लिम ना होते हुए भी वहां आज भी रहते हैं। ये हैं कलश। हिंदुस्तान से जब पश्तूनों का वो हिस्सा पाकिस्तान बना तो कलश पूरे पाकिस्तान की सबसे अलग ग्रुप निकल कर आई। बिल्कुल ही अलग धर्म, रहन सहन, कल्चर, पहनावा और काफी हद तक अलग ही डीएनए। 1947 में पार्टीशन के समय वो लोग जिस लोकेशन में थे वहां से निकलना भी चाहते तो नहीं निकल पाते। वहां जान और धर्म परिवर्तन का खतरा 24 घंटे शुरू से ही बना हुआ है। उन लोगों के इलाके को काफिरिस्तान कहा जाता है। 1895 में भी कई लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और आबादी के उस इलाके को नूरिस्तान कहकर अलग कर दिया गया। पर उनको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे जाकर ये समझना होगा कि कलश लोगों का असली इतिहास क्या है। क्या वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं या वेदों को मानते हैं? पहले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये लगता था कि वो लोग शायद अलेक्जेंडर की ग्रीक आर्मी के सोल्जर्स के वंशज हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर जब भारत को छोड़कर वापस जा रहे थे तो उनके काफ़ी सिपाहियों ने देश में रहने का ही फैसला किया, तो ये कहा जाने लगा कि वो लोग उन्हीं ग्रीक सिपाहियों के वंशज बने। और इसलिए देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गोरे हैं। वो शायद उस पूरे इलाके में, अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को देखें, तो शायद सबसे गोरी जीन्स की प्रजाति है। पर एक हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के ऐसे इलाके में भी वो प्रजाति है जहाँ पर आदमियों और औरतों में फ़र्क नहीं किया जाता। इतने रिस्क के बाद भी लोगों ने अपने पुराने वैदिक धर्म को बचा कर रखा हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि कैसे वो इतने सालों से उस इलाके में बच के रहे और ये कैसे हुआ कि उनका जो धर्म है वो वैदिक धर्म है और उसके बाद भी वो वहाँ पर सुरक्षित हैं, चाहे वो कम आबादी में क्यों ना हो। पर वो वैदिक धर्म कैसे मानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनके रोज़मर्रा की बातों में, उनके तौर तरीकों में कई ऐसे शब्द आते हैं जो इन बातों को प्रूव करते हैं। जैसे वो एक देवता को मानते हैं जिनको कहते हैं महानदेव, जो कि महादेवी हैं। वो इंद्रलोक की बात करते हैं, देवलोक की बात करते हैं, यहाँ तक कि यमराज की भी बात करते हैं। इन बातों से काफ़ी हद तक ये प्रूव होता है कि वो हिंदुइज्म को ही माना करते हैं। लेकिन जब उनके डीएनए के टेस्ट हुए तो कई ऐसी बातें पता चली कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट दंग रह गए। कलश के डीएनए मेजर ली किसी भी पड़ोसी इलाके के लोगों से नहीं मिले, यहां तक कि ऐसा कॉम्बिनेशन पूरे साउथ या मिडिल ईस्ट एशिया में कहीं नहीं है। यूरोप से चेक किया गया तब भी सेम ही रिजल्ट निकला। काफी पाकिस्तानी और वेस्टर्न रिसर्चर्स ने फिर ये दावा किया कि ये एक यूनिक कम्युनिटी है जिसके तार भारत से ही हैं और वो इतनी सेंचुरीज से आइसोलेटेड रहीं कि उनमें कोई और डीएनए मिक्स नहीं हो पाए। पाकिस्तानी एनजीओस, कन्वर्जन ग्रुप्स और धमकियों ने उनकी आबादी 1970 के आसपास सिर्फ 2000 तक सीमित कर दी थी। पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर पड़ा और उनकी सुप्रीम कोर्ट और शरिया लॉ कोर्ट्स ने अथॉरिटीज को उन लोगों को बचाने का और उनको अपने अधिकार देने का दबाव बनाया। ये प्रेशर कुछ हद तक काम किया और अब कलश की आबादी धीरे धीरे बढ़कर 5000 के आसपास हो गई है। कंपटीशन और मॉडर्निटी ने उस गांव को भी छू लिया है। जो बच्चे हैं, यूथ हैं और जो बाकी गांव के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, वो भी अब करियर कॉन्शियस हो गए हैं।
2017 में माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट पे वजीर ज़दा एक कलश जीते और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में चले गए। यहाँ तक कि 2019 में जब प्रिंस विलियम और केट मिडलटन पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने भी कलश के लोगों से मुलाकात करी। आज की दिलचस्प कहानी में बस इतना ही, लेकिन लौट के आपके पास आते हैं बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, लौट कर आते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।